हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ योर मैथ्स क्लास. बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे. यहाँ पर कुछ एज ए टेस्ट दे रहे हैं जिसको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और टिक द करेक्ट आंसर्स हैं एंड f.i.b. आप सभी बच्चों ने टाइम एंड टेम्परेचर पढ़ चुके हैं चैप्टर. तो आज एक बार हम आपका टेस्ट लेना चाहते हैं कि आप लोगों ने वो चैप्टर याद है या भूल गए. जैसे यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस को फर्नेहाइट में कन्वर्ट करना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितने फर्नेहाइट होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए, 32 फर्नेहाइट में कन्वर्ट हो जाता है. यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस दिया है और फर्नेहाइट में कन्वर्ट करना है या फर्नेहाइट में उसे लिखना है, तो कितने फर्नेहाइट लिखते हैं? यस, 32. 12 midnight in 24 hour clock in each. बताना है आपको जो 12 midnight होता है तो 24 hour की क्लाक में हम किस प्रकार से उसको लिखते हैं. तो बच्चों, कैसे लिखा जाता है? जब 12 midnight लिखा होता है तो उसको 12 hours में क्या करते हैं? 00, है ना, 00 लिख देते हैं. यहाँ दिए हैं 212 फर्नेहाइट. 212 फर्नेहाइट को आप किस में कन्वर्ट करेंगी? आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में. तो सभी बच्चों को पता है कि फर्नेहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं. आज आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है? फिर इसी के बाद आपको यहाँ पर वेट दिए हैं. वेट टोटल 1000 वेट प्लस 500 वेट है, और ये कितने वेट हो जाएंगे टोटल? तो अब आप प्लस करके बता सकते हैं. टेम्परेचर द इंडिकेट फीवर इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो क्या बताता है? 107 फर्नेहाइट या 98.6 फर्नेहाइट या 37 डिग्री फर्नेहाइट. तो ये भी हमने आप लोगों को लर्न कराया है. आप लोग जो करेक्ट आंसर, यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हैं, 3 में जो राइट आंसर है उसे आप टिक कर दीजिए. इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों, यहाँ पर द 2 स्केल्स ऑन द थर्मोमीटर आर. थर्मोमीटर में आपने देखा भी, ये देखिए 2 यहाँ पर स्केल दिए हैं. वो कौन कौन से स्केल हैं? सेल्सियस एंड फर्नेहाइट. क्या है? सेल्सियस एंड फर्नेहाइट. तो फिल कर सकते हैं सेल्सियस स्केल एंड फर्नेहाइट स्केल. रीना टर्न 13 ईयर्स इन जनवरी 2014. सी वॉज बॉर्न इन द ईयर. आप लोग बता सकते हैं कि जब 2014 जनवरी में रीना की एज कितनी थी? 13 ईयर. तो आप बता सकते हैं कि उसका जन्म किस ईयर में हुआ था? यस, 2014 है और 13 ईयर्स के, तो 14 में 13 को आप माइनस कीजिए बच्चों, तो कितने आ जाएंगे? 2001. ओके, यानी कि रीना का जन्म 2001 में हुआ था. एंड एडल्ट बेबी टेम्परेचर इज नेवर अबोव. जो एडल्ट बेबी होते हैं उनका टेम्परेचर कितने फर्नेहाइट से ज़्यादा नहीं होते हैं? सभी बच्चों को लर्न है 105, ठीक है? क्या लिखेंगे यहाँ पर? 105 फर्नेहाइट. दिए गए यहाँ पर 107 डेकामी. ये डेसीमीटर है. डेसीमीटर को बच्चों मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यदि आपको याद है तो आप लिख लेंगे, अदरवाइज आप यदि भूल गए हैं तो अपनी बुक ओपन कीजिए और एक बार फिर से रीड कीजिए इस चैप्टर को. अदरवाइज मैं आंसर तो बता देती हूँ, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि डेसिमल को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? ऑफ कोर्स डिवाइड करते हैं. ओके, तो आंसर अब आप लोग लिखेंगे. 127 आवर्स हैं और इन्हों आपको डेज में और आज में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे बच्चों? जैसे यहाँ आर्स हैं और डेज है,
तो 1 day इज इक्वल टू 24 hours, तो सबसे पहले आप 24 से 127 को डिवाइड कीजिए, 127 को जब डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो आर्स आ डेज आ जाएंगे और जो रिमाइंडर होगा वो आर्स आ जाएंगे। ओके, तो अब आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये दिया गया टेस्ट आप अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए, और जिन बच्चों को पहले तो आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए, जब नहीं आता है तो अपनी बुक ओपन कीजिए। इस प्रकार से आपको उस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और दिया गया वर्क भी लर्न हो जाएगा। ओके, तो अब आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कीजिए एंड सेट कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस।